नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द हिंदू के बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद हम यह देखेंगे कि आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंस है वे क्या है, और उसके बाद हम उसको थोड़ा सा यूपीएससी से जोड़ेंगे। एंड देन हम देखेंगे उसका जितना भी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की नोट्स चाहते हैं, हैंड राइटन वाली नोट्स चाहते हैं, या फिर आप लगातार पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो अगर हम लोग बात करें सिविल सर्विस परीक्षा की, एग्जामिनेशन की, तो हम लोग इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 से जोड़कर देख सकते हैं, और उसके इम्पोर्टेंस आप इससे समझ सकते हो कि जो आर्टिकल है वह कितना इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि की कोप डॉक्यूमेंट कॉल्स फॉर प्रोग्रेस इन अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। मतलब आपको पता है कि अभी COP28 चल रहा है, हाँ, 20th एडिशन चल रहा है कोप का। तो इसमें यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या किया गया है, पेश किया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो हम समझेंगे, और उस डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि जो एडोप्टेशन की प्रोसेस है, मतलब एडोप्टेशन मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को हम लोग किस तरह से एडॉप्ट करते हैं। आपको पता है कि लगातार जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं, आपको पता है कि लगातार कोई भी समय पर बारिश आ रही है, कोई भी समय पर आप देखोगे कि जो जलवायु परिवर्तन है वह लगातार चेंज हो रहा है। आप देखोगे कि यूरोप में भी जो गर्मी है वह लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमको एडॉप्ट करना है, ठीक है। ये इस जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है उसमें इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस की गई है कि जितनी भी कंट्रीज़ इस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगी उन कंट्रीज़ को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है, और उसको 2025 तक क्या करना है, पेश करना है। उसके बाद इसमें यह भी लिखा गया है कि 2030 तक पूरे जितनी भी कंट्रीज़ इसमें साइन करेंगी उन कंट्रीज़ को एक योजना बनाना होगा, और योजना बनाने के साथ उनको क्या करना होगा, उसमें जितनी भी प्रगति मतलब जितनी भी प्रोग्रेस आ रही है उन प्रोग्रेस को वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। कब तक, 2030 तक। तो इस डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो यहाँ पर लिखा गया है एम्बेसिस्ड ऑन मिटिगेशन इन ऑल टॉक सो फार। अब हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि मिटिगेशन क्या होता है। तो आप मिटिगेशन इस चीज़ से समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ में एक मिनिमाइज डिग्री का लॉस, मतलब किसी भी चीज़ में आपको पता है कि धीरे धीरे रिड्यूसिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करते हैं किसी हार्म को धीरे धीरे कम करने की, तो हम उसको मिटिगेशन से उस चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जितने भी प्रत्यक्षी जलवायु को ध्यान में रखते हुए जो परिस्थिति है सामाजिक या आर्थिक, उस प्रणाली में क्या करना है, संयोजन करना है। उसके बाद आपको पता है कि बहुत जो ग्रीन हाउस गैस में इमिशन हो रही है उसको यहाँ पर लिखा गया है कि उसको रोकने में मदद करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपको पता है कि ग्लोबल स्टॉक प्रोसेस, लगातार ग्लोबल स्टॉक के ऊपर यहाँ पे बात की गई है, तो ये ग्लोबल स्टॉक क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग रिसेंटली आप जाओगे तो आप लोग को वो वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग को आई बटन में क्लिक करना है और उन वीडियोज़ को देख लेना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे की, तो यहाँ पर इस दस्तावेज का जो मुख्य तौर है वहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग भी इस दस्तावेज में साइन करेंगे उन लोग को क्या करना है, एक सॉल्यूशन लाना है, कंट्री स्पेसिफिक का एक सॉल्यूशन लाना है, जिस सॉल्यूशन में वो ये चीज़ करना है कि जितनी भी ग्लो स्टेबलाइजिंग ईयरलिंग वार्मिंग सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि जब सूखा प्रतिरोधी फसलें होती है, मतलब ऐसी फसलें उगाने में ध्यान देना है या ऐसी फसलें उगाने में जोड़ देना है जो फसलों में पानी की जो कमी है, मतलब कम पानी में फसलें हो जाए, ये सब चीज़ों के ऊपर वहाँ पे बात की गई है। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी उस डॉक्यूमेंट में बात की गई है। तो अब हम मेनली इस टॉपिक को अगर हम लोग बात करें तो एक मिटिगेशन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है,
और जो एडॉप्शन की प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात करें एडॉप्टेशन की, तो किसी भी चीज़ को धीरे 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 अगर आप लोग एडॉप्ट कर लेते हो, आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उन चेंजेस को अगर हम लोग धीरे 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 अडॉप्ट कर लेंगे, तो उस प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, मिटिगेशन। हाँ, तो मिटिगेशन मेनली हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, इन जनरल अगर हम लोग बात करें मिटिगेशन की, तो मिनिमाइजिंग डिग्री ऑफ एनी हार्म, मतलब धीरे धीरे जिस चीज़ को किस लॉस को कम करते जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिटिगेशन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये रही आज पूरी वीडियो की एनालिसिस। इसके बाद हम पूरे स्पीड से एक बार समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट COP28 के टाइम में रखा गया है, उसमें क्या एम रखे गए हैं 2025 तक और 2030 तक। देन हम लोगों ने देखे कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ना, मिटिगेशन पर क्या जोर दिए है ना, भविष्य में जो आपको बताऊंगे जो अनावश्यक घटनाएं हो रही है ना, उनके ऊपर किस तरीके से वहाँ पर मिनिमाइज करना है, उनको किस तरह से मिटिगेशन के ऊपर ध्यान देना है। हम लोगों ने देखा ग्लोबल स्टॉक को आप किस तरीके से अडॉप्ट करके इन सब चीज़ों को कर सकते हो। फिर वहाँ पे कुछ दस्तावेज दिए गए, क्योंकि एक कंट्री को एक स्पेसिफिक प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, देन उसको प्रस्तुत करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।